मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना के दौरान हमारे जो स्टूडेंट विदेश जाने वाले, उनको इस दौरान बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि इस दौरान जो हमारे स्टूडेंट विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनको इस दौरान जैसे अगस्त इनटेक के लिए बाहर जाना था, तो हमारे पास यूएसए यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे मिस्टर रायन जी, आज अचानक उनसे हमारी मुलाकात हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे कुछ सवाल किए जाएं, स्टूडेंट के बारे में पूछा जाए कि इस दौरान बच्चों को क्या मुश्किलें आई हैं और उनकी जो स्टडी है अब्रॉड जाने के लिए, विदेश जाने के लिए। राजन जी, स्वागत है आपका हमारे दैनिक उजाला में। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर अशोक जी फॉर कॉलिंग मी ऑन दैनिक उजाला। तो हम जानना चाहते हैं कि यूएसए जो स्टडी के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं, उनको इस दौरान जो मुश्किलें आई हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो अशोक जी, मैं यूएस की यूनिवर्सिटीज रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया में, एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड यहाँ पर हम इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप है यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ। ओके। एंड फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड हमारा इवन इनफैक्ट मैं वहीं खुद भी वहीं बैठता हूँ, ऑफिस भी वहीं पर है हमारा, जस्ट फॉर द बेटर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। एंड हम ना पिछले काफ़ी 3 साल से आर्टिकुलेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, लाइक क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जो कि बाहर मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है उस प्रोग्राम की। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, मतलब हाफ कोर्स बच्चे यहाँ करते हैं, फॉर एग्जांपल बीटेक हाफ यहाँ पर की है, तो 2 साल यहाँ पर लगाएंगे, 2 साल हमारी यूनिवर्सिटी है, तो डिग्री उनको वहाँ से मिलेगी। उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो बच्चों की कॉस्ट कम पड़ती, एक उनका हाफ कोर्स यहाँ पर ही हो गया एक तरह से, बाहर जाके जो लेना था। इसलिए ये जो COVID-19 में अभी हमारे बहुत सारे बच्चे रेडी हुए थे अगस्त में जाने के लिए, अगस्त इनटेक के लिए बहुत सारे बच्चे रेडी हुए थे, एंड उसके लिए हमारी ये यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने, इन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज इनको यहाँ पर देने शुरू कर दिए हैं बच्चों को, भी आप यहीं बैठ के करो, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होएगी तो यू कैन कम टू दी यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन जैसे आपने बोला, तो इसमें क्या बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं? बिल्कुल अशोक जी, यहाँ का इंडिया का ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन इंटायरली डिफरेंट है, यूएस का डिफरेंट है, एंड हमारा टाइम डिस्टेंस है वहाँ पर, लाइक 12 घंटे यूएस से पीछे है, अगर यहाँ दिन है वहाँ रात है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ईजिली मैनेज कर पाते हैं। अगर ये वहाँ पर मॉर्निंग भी है तो यहाँ इवनिंग में लेट नाइट में क्लासेस ले लेते हैं बच्चे, तो वो ईजिली कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जिन्होंने बाहर जाना था, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दे आर हैप्पी, दे आर लाइक दे आर सेटिस्फाइड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारी ये यूनिवर्सिटी है, वी आर द पब्लिक यूनिवर्सिटी, एंड उस पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन की कॉस्ट है वो 1/3 है। अगर बच्चे को वहाँ जाके $15,000 देने हैं, तो वो यहाँ पर $5,000 दे के, $3,000 दे के ही अपने प्रोग्राम सेम कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और उसमें बाद में उनको वीजा सक्सेस रेट ज़्यादा पहुँचेगा, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी क्लासेस दे रहा है यूनिवर्सिटीज की। यानी कि यूएसए ने जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने आपको भेजा हुआ है यहाँ के लिए? हाँ जी, मेरे को यूएस यूनिवर्सिटी का, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ, एंड ये उनके बिहाफ पे मैं यहाँ पर अलग अलग मॉडल प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं यहाँ की यूनिवर्सिटियों के साथ, यहाँ की जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हमारी ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी देहरादून में है, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी है, बट हमारी जो एक्टिव यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जहाँ से बच्चे रेगुलर जा रहे हैं, इनफैक्ट उनका ऑफिस है यहाँ पर, उन यूनिवर्सिटी का, अमेरिका की यूनिवर्सिटी का ऑफिस है यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ की मैं वो सारा बैठता हूँ, हमारी अपनी टीम है वहाँ पर, हम बच्चों को एड्रेस करते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, मतलब कि स्टूडेंट जो हैं उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर देखो वैसे भी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जैसा नहीं, मान लो कि जो स्टूडेंट है, हाँ जी, जो डायरेक्ट लिंक जो है उनका
आपके साथ होता है या यूनिवर्सिटी के साथ? पहले तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आएंगे, ठीक है। लेट्स से अगर बाहर जो स्टूडेंट है इस बार जाने थे या बाहर से जाने थे, मार्केट के थ्रू जाने थे, अब वो स्टूडेंट नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। मेरी ये है कि अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लेते हो और वहाँ पर आके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है उनका बनाओ, वहीं मैं बैठता हूँ, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उनका मतलब 50% काम यूनिवर्सिटी ही कर रही है। यहाँ पर देखो इंग्लिश के क्लासेस वो दे रहे हैं, आईलेट्स की क्लासेस वो दे रहे हैं, वीज़ा फाइलिंग वहीं हो रही है, मतलब अंडर वन अम्ब्रेला सारा काम उनका चल रहा है बच्चों का। तो स्टूडेंट मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं हमें, तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर मैंडेटर नहीं है, नो एजेंट इन्वॉल्वमेंट, एजेंट्स नहीं है यहाँ पर, कोई इमिग्रेशन फर्म नहीं है यहाँ पर। यहाँ हम बात करें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बच्चा यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होके ट्रांसफ़र होके दूसरे यूनिवर्सिटी जा रहा है, और इसके लिए हम यहाँ के यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा भेजने। तो ये पार्टनरशिप है दोनों साइडों में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी की और इंडिया की यूनिवर्सिटी की, इसमें मीडिएटर कोई नहीं है बीच में। ये कोरोना के दौरान जो वीज़ा सक्सेस रेट, इसमें कोई कोई तब्दीली कोई खास? देखो अभी तक तो जो हमारी जो एम्बेसीज हैं वो तो बंद हैं बिकॉज ऑफ COVID-19। हाँ बिल्कुल, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे देखो एक ना एक दिन तो खुलना ही है सब कुछ, बाहर की एम्बेसियाँ खुलनी शुरू होगी। नहीं अभी खुली तो नहीं ना, आप किस दावे के साथ कह रहे हो ना? नहीं बाहर इंडिया की नहीं खुली है, बाहर की कैनेडा की अमेरिका की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एम्बेसीज है वहाँ पर खुलनी शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन हो रही है अगस्त। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन हो रही है जो अगस्त में फॉल इनटेक में, तो जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर गए हुए हैं, जो वहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ भी रहे हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं वहीं अपने घरों में अपार्टमेंट में, दे विल बी बैक इन अगस्त, अगस्त में वापस आ रहे हैं। और जैसे ही ये एम्बेसीज खुलेंगी तो एज फार एज वीज़ा इज कंसर्न, वीज़ा सक्सेस रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा बिकॉज वहाँ की इकॉनमी भी डिपेंड करती है लाइक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर, इन्होंने जाके वहाँ फीसें पे करनी है उनकी यूनिवर्सिटी का, कि क्या होता है कि कोटा होता है स्टूडेंट्स कोटा होता, ठीक है। तो वो इस पर डिक्लाइन चला गया बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, ये हर जगह बनता है। नुकसान तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल टूरिज्म खत्म हो गया, बंद हो गया, एंड फ्लाइंग्स नहीं चल रही, इंटरनेशनल फ्लाइंग्स नहीं चल रही हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अब जैसे ये होगा तो इनको भी वीज़ा देंगे, वीज़ा जरूर, बट ये जेन्युइन स्टूडेंट को। आपके कहना मतलब कि पहले से ज़्यादा चांसेस है स्टूडेंट के वीज़ा लगने के? दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस है। तो आप और कुछ जानकारी देना चाहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे जो बच्चे हैं प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, है ना, उनको कुछ आपसे कुछ सीखने को मिले। मैं इसमें यही एक ऐड करूंगा कि देखो स्टूडेंट्स को मेरी यही एडवाइस है, आई ऑलवेज से कि अगर तो आपने बाहर जाने का आपका सपना है तो पढ़ने के लिए नहीं जाओ, आज ये मत सोच के जाओ कि मेरे अंकल आंटी वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने PR लेनी है मैंने, नो, इफ़ यू आर ए क्वालिटी स्टूडेंट देन ओनली गो। तो फिर हम भी वही स्टूडेंट को लेते हैं। सॉरी राजन जी, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। देखिए जो हालात जो इस समय चल रहे हैं ना, अभी जो हालात है कि कोरोना को लेके हर घर में बच्चा, बच्चों की माए ना, हर माँ बाप डरता है अपने बच्चे, कहते हैं ना सियाने कहते हैं हमारा जो हिंदुस्तान पंजाब लगा लो या इंडिया किस कहीं भी ना, यहाँ की सोच है कि अगर बाहर झगड़ा होता ना तो माँ अपने बच्चे को बोलती है बेटा बाहर मत जाना, झगड़ा हो रहा है ना। तो ये तो वर्ल्ड वार लगी हुई है राजन जी, वर्ल्ड वार लगी है, तुम माँ अपने बच्चे को बाहर भेजना पसंद करेगी? देखो यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा कि बच्चों को एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जाना ही होता है, घर से बाहर निकलना ही है, कुछ बनना है कुछ लाइफ में, पेरेंट्स हर वक्त साथ नहीं रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे वो कहीं भी हैं, उनको काम करने के लिए बाहर निकलना ही है, एंड दिस कैन हैपन एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, एक्सीडेंट ट्रेजेडी वो कहीं पर भी हो सकती है। यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो बाहर की कंट्री है वो ना ह्यूमन बीइंग को वैल्यूज देती हैं, वहाँ बंदे की वैल्यू है, स्टूडेंट्स की वैल्यू, इंसान की कदर है, इंसान की कदर है। चाहे पेरेंट्स वहाँ नहीं भी हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो पहले पहुँचेंगे। अब US में कोई इशू होता है 911 आप नंबर डायल करो, आधे मिनट में पुलिस आ जाती है वहाँ पर, एम्बुलेंस आ जाएगी,
दे विल लुक आफ्टर यू. आपका कहने का मतलब कि इंडिया से ज़्यादा सेफ हम बाहर हैं? नहीं, इंडिया को मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया भी ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर ह्यूमन वैल्यू की कदर ज़्यादा है, वहाँ पर इंसानियत को ज़्यादा मानते हैं, एक ह्यूमन बींग की वैल्यू है वहाँ पर. एंड वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर पॉपुलेशन स्कैटर्ड है. पॉपुलेशन इंडिया की तो आपको पता ही है कितनी है, वहाँ की बहुत कम है, और उनका वैसे ही सोशल डिस्टेंस बना रहता है. वहाँ घर भी एक घर छोड़ के काफ़ी दूर तक दूसरा घर होता है. तो वहाँ पर जो अब सिचुएशन चल रही है कोविड 19 की, वो डिक्लाइन जा रही है. इंडिया में चाहे नंबर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट बाहर की कंट्री में नीचे आ रहे हैं, वो डिक्लाइन जा रही है. यस. तो चलो राजन जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने जो हमारे स्टूडेंट जो प्रोग्राम देख रहे हैं और आपने अच्छी उनको जानकारी दी. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, उनको घबराने की कोई भी चिंता नहीं, वो यहाँ रह के भी अपनी जो यूएसए की स्टडी है यहाँ. इसमें मैं वही ऐड करूँगा कि जैसे जो भी बच्चे इस बार नहीं जा पाए हैं, चाहे जिन्होंने जाना था, पंजाब में ऑलमोस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3-4 लाख स्टूडेंट जाता ही हर इंटेक में हर साल. वो ज़्यादातर कैनेडा के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के होते हैं. बट अगर वो नहीं जा पाए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. वैसे भी पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा है, फ्लाइंग्स नहीं चल रही हैं, तो आपको अपना टाइम ना ख़राब करें, अपना वो क्या बोलते हैं उसको, गैप ना पढ़ाएं स्टडी में. उस गैप को फिल करने के लिए आप यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, जिनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में लिंक लीजिए. वहाँ की आपको वहाँ एडमिशन लेने के बाद आपकी 50% एजुकेशन ऑलरेडी एक्सेप्टेड है वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इनके कोर्स मैपिंग की हुई है हमने. यहाँ के जो प्रोग्राम हैं, जो कोर्सेज हैं, वो लेके इनका सिलेबस लिया हुआ, वहाँ का सिलेबस मैच करके जो कॉमन कोर्सेज हैं वो ट्रांसफ़र किए हुए हैं. इसलिए बच्चों को जो यहाँ 50% स्टडी करेंगे वो वहाँ पर नहीं करनी है, वहाँ पर रेस्ट ऑफ द स्टडी करनी है. और डिग्री वो हम वहाँ दे रहे हैं, उसमें एक आपका टाइम बच गया. नंबर दो, उसमें आपका वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ेगा. नंबर फोर्थ, आपको आपकी कॉस्ट बच गई. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने 50% कॉस्ट बचा ली. अगर वहाँ पर आपकी $30,000 कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जांपल, लाइक 2 साल के कोर्स की, तो यहाँ आपने $15,000 पे करनी है. तो यहाँ द बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ की जो फीस है वो इंडियन रुपीस में दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों की फीस है, आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है उसमें. तो हम इनकी ही कोर्स वैल्यूएशन की हुई है, कोर्स मैपिंग की है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, बहुत सारे जा चुके हैं. एंड अभी और भी बहुत सारी लिस्ट है, अभी हमारे पास 60-70 स्टूडेंट थे जिन्होंने जाना था. अब वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज, या फिर वो अपना जो जनवरी इनटेक है उसमें जाएंगे अगर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. तो मेरा मैसेज यही है स्टूडेंट को कि पैनिक ना हो, दे आर लॉट ऑफ वेज, ठीक है, आप हैव अ पेशेंस, बी पेशेंट. तो आप अपना इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपना इंटर, और द बेस्ट पार्ट ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कि इंटरनेशनल इनका डिपार्टमेंट अलग है. इनके डिपार्टमेंट में आप आओगे तो आपको वो इंटरनेशनल फीलिंग मिलेगी आपको. वो मैंने खुद देखा है, मैं यूएस में रहा हूँ, इतने साल पढ़ा हूँ वहाँ, तो यहाँ देखा मैंने, यहाँ फॉरनर भी बहुत आते हैं. इन्होंने एक अच्छा माहौल बना के रखा हुआ कि बच्चों को वो फील आए कि कल को बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो सेम लेवल का टेस्ट वो उनको फ्लेवर दे रहे हैं इंटरनेशनल का, बच्चों को वो ही टेस्ट आ रहा है. तो I must say कि you don't get panic and you must take admission. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, ज़्यादातर हमारा एक्टिव यूनिवर्सिटी वही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. ओके. तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मोबिलिटी है. तो मेरा फाइनल मैसेज यही है. तो चलो दोस्तों, जैसा कि जो हमारे स्टूडेंट हमारा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि हमने अचानक हमारी आज यूएसए से जो राजन जी आए थे हमारे यूनिवर्सिटी में, तो इनसे हमें एक मौका मिला बातचीत करने का कि जो हमारे स्टूडेंट उदास बैठे हुए थे, हम बाहर जाएं या क्या करें, काफ़ी परेशान थे. और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने राजन जी की इन इंफॉर्मेशन जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे. और किसी तरह की और भी आप जानकारी चाहते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बैठता हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बैठता हूँ, वहाँ पर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ओके जी, फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात के साथ. अशोक हिपा को दीजिए आज्ञा, कैमरामैन दलजीत के साथ. थैंक यू. ओके, बाय बाय.